हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स पीआईबी प्लस इंडो एनालिसिस 11 अक्टूबर 2017। हमेशा की तरह रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स बनाने की चिंता मत करना, पेन पेपर लेकर मत बैठ जाना क्लर्कों की तरह, ठीक है ना। नोट्स जो है आपको पीडीएफ में अवेलेबल रहेंगे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों चीज़ें, सिर्फ चीज़ों को समझने में और सुनने पर ध्यान देना, लिखना हो तो सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके अपना वीडियो बंद कर देना। सबसे पहले GS2 देख लेते हैं। पैसिव यूथनेसिया ऑलरेडी अ लॉ, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर अपोजेज लीगलाइजिंग लिविंग विल्स, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एक अर्जी आई है, एक पिटीशन आई है, जिसमें पिटीशन का ये कहना है कि भैया आप जो यूथनेसिया है, यूथनेसिया मतलब कि आप अपने आप को परमिशन दे रहे हो कि हाँ भाई मुझे मेरी जो है जान ले लीजिए आप, ठीक है। हिंदी भाषा में, देसी भाषा में इसको ऐसा कहा जाता है। तो एक जो है 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अंडर, ठीक है, और भी जो जजेस हैं उनके पास एक पिटीशन आई है जिसको फाइल किया है एनजीओ कॉमन कॉज ने फॉर लीगलाइजिंग यूथनेसिया एंड द लिविंग विल, कि भाई मैं जीना चाहता हूँ या मरना चाहता हूँ वो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो दो तरह के यूथनेसिया होते हैं आपके, एक होता है आपका पैसिव यूथनेसिया और एक होता है आपका एक्टिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया में जनरली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जो है विक्टिम है, ठीक है, वो पूरी तरह से उसकी जो बॉडी वर्किंग में नहीं है, उसको कोई होशो हवास नहीं है, बस उसका एक तरह से ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव है, बाकी वो कम्प्लीटली डेड है, ठीक है, कॉमा में है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसकी बॉडी जो है कम्प्लीटली डेड हो चुकी है, वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, और बस हॉस्पिटल के बेड के ऊपर है, और उसका जो चांस है ठीक होने का वो भी बिल्कुल पॉइंट परसेंटेजेस में है। तो उस केस में अगर डॉक्टर्स और उस जो विक्टिम है उसके फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करते हैं कि भैया ये लाइफ सपोर्ट पे तो जी ही रहा है, लाइफ सपोर्ट मशीन पर जी रहा है, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दीजिए और इसको जो है इजी डेथ है वो दे दीजिए, ये आपका होता है पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है, एक्टिव यूथनेसिया में जो पर्सन होता है, जो विक्टिम होता है, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ सेंसेस नहीं होता, ठीक है, उसके सेंसेस चल रहे होते हैं और वो खुद से डिसाइड करता है या दूसरे लोग उसके लिए डिसाइड करते हैं, थोड़ा बहुत जो उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ भैया जो मेरी लाइफ है मैं मुझे इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज़्यादा डिजीज़ है जो काफ़ी पेनफुल डिजीज़ है, ठीक है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि ये डेली डेली का पेन सफ़र करने से तो अच्छा है कि मेरे को एक ईजी जो है वो डेथ मिल जाए, मेडिकली उसको ईजी डेथ दे दी जाती है, फिर वो होता है आपका एक्टिव यूथनेसिया। तो जो पैसिव यूथनेसिया है, द एक्ट ऑफ विड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट टू अ टर्मिनली इल पेशेंट इज ऑलरेडी द लॉ ऑफ लैंड, ऐसा सरकार ने कहा है कि ये पहले से है, ये पैसिव यूथनेसिया के लिए हम पहले से ओपन है। तो गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्पल उसके लिए खुद को सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा कि भाई 2011 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू करी थी जिसमें हमने पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया था। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया अरुणा शेनबॉग का। अरुणा शेनबॉग एक नर्स थी मुंबई के हॉस्पिटल में, जिन एक रेप विक्टिम थी और रेप के बाद उनका जो जो रेपिस्ट था उन्होंने उनका गला काट दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ 25 साल तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रही थी। तो उनको 2011 में सरकार ने कह दिया था कि ठीक है आप इनको जो है पैसिव यूथनेसिया दे सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो नर्सिस थी उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया था, और जब तक वो नेचुरल डेथ 2015 में नहीं मर गई तो उनसे जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ नहीं किया गया था। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनाई हुई है पैसिव यूथनेसिया के लिए, और इसके लिए हम एक लॉ लेके आने की भी बात कर रही है सरकार की, हम एक लॉ लेके आएंगे जिसका नाम होगा द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद टर्मिनल इलनेस विड्रॉल ऑफ मेडिकल लाइफ सपोर्ट बिल। पैसिव यूथनेसिया के लिए हम ये लेकर आएंगे, इसको लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस पर बनाया गया है, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो वो पेशेंट्स का हटा लिया जाएगा, जो पेशेंट्स ऐसे सफ़र कर रहे हैं जिनका होश में आना नामुमकिन जैसा है, उनके लिए जो है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो ये कंसेप्ट लिविंग विल वाला है ना, या एक्टिव यूथनेसिया वाला जो कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है और इसको हम इंडिया में नहीं अलाउ कर सकते, ठीक है। इसके लिए जो सरकार ने कहा कि क्या रीजंस हैं कि सरकार ये चीज़ जो है लिविंग विल वाली इसको अलाउ नहीं कर सकती, इट पॉइंटेड आउट दैट दिस में लीड टू द एब्यूज एंड निगलेक्ट ऑफ एल्डरली, ठीक है, जब कोई बूढ़ा हो जाएगा
उसका निग्लेक्ट शुरू हो जाएगा और लोग क्या करेंगे कि वो एक्टिव यूथनेसिया प्रमोट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बूढ़े लोग एक्टिव यूथनेसिया प्रमोट करना शुरू कर देंगे, घर से निकाल दिया तो एक्टिव यूथनेसिया प्रमोट करना शुरू कर दिया, या फिर बच्चे जो थोड़े से बीमार बूढ़े होंगे उनको ऐसे प्रमोट करना शुरू कर देंगे कि आप एक्टिव यूथनेसिया ले लीजिए, आप वैसे ही बीमार चल रहे हैं, ठीक है, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मौत है। तो वो एल्डरली की जो एक निग्लेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशली इफ़ देवर फाइनेंशियली वेल ऑफ, ठीक है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है। बच्चों को आजकल प्रॉपर्टी चाहिए माँ बाप की, तो माँ बाप की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए भैया चलो इनको यूथनेसिया के लिए प्रमोट कर दो कि आप यूथनेसिया ले लीजिए, आपकी आपको घुटनों में दर्द है तो आप डेली डेली का दर्द आपको होता है, आप यूथनेसिया ले लीजिए, मतलब इतने छोटे छोटे रीजन्स के लिए होने लगेगा। द गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट दैट लिविंग विल वॉज अ कंसेप्ट विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अ पर्सन इंस्टिंक्टिव अर्ज टू सर्वाइव, ठीक है। अब कोई भी जो डिप्रेस्ड आदमी भी होता है उसके अंदर एक इंस्टिंक्टिव अर्ज होती है कि मुझे भैया मुझे सर्वाइव करना है, मुझे अपनी दिक्कतों से लड़ना है और मुझे जीतना है। तो ये इंस्टिंक्टिव सर्ज जो है वो आदमी की मरनी शुरू हो जाएगी, उसको एक ईजी ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा, उसे एक ईजी डेथ जो है वो अवेलेबल दिखेगी। और जो जस्टिस मिश्रा ने फिर कहा, लिविंग विल मे रिलीव ग्रीफ स्टिकन रिलेटिव्स द मॉरल बर्डन ऑफ डिसाइडिंग वेदर लाइफ सपोर्ट शुड बी विड्रॉन फ्रॉम अ टर्मिनली इल पर्सन। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने फिर सरकार को जवाब देते हुए कहा कि अभी क्या होता है, अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ करना है, लाइफ सिस्टम विड्रॉ करने के लिए जो विक्टिम है उसकी फैमिली मेम्बर्स को डिसीजन लेना पड़ता है और फैमिली मेम्बर्स के ऊपर एक मॉरल ग्रीफ आ जाता है कि यार हमने एक बंदे की डेथ करवा दी, हमने एक बंदे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो हटवा दिया। लेकिन अगर पैसिव यूथनेसिया होगा तो वो उस मॉरल बर्डन से जो है वो उनको रिलीफ मिल जाएगा। डॉक्टर्स में ऑल्सो बी स्पेयर्ड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फॉल प्ले और नेग्लिजेंस इन केस वेयर पेशेंट्स हैड पेंड डाउन अ लिविंग विल, ठीक है। डॉक्टर्स के ऊपर भी जो एक्विजिशन लग जाते हैं, अगर कोई पेशेंट बोल देता है कि यार डॉक्टर मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मैं तू देख रहा है कि मैं कैसे तड़प रहा हूँ, मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो बंद कर दे, नहीं तो मैं ऐसे ही तड़प तड़प के दिन गुजारने पड़ेंगे, और डॉक्टर के ऊपर फिर एक्विजिशन आ जाते हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, कि चल तेरा काम है उसको बचाना, तेरा काम ये नहीं है कि तू उसको मार दे। तो ये एक्विजिशन से जो है वो डॉक्टर्स का भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने सवाल पूछा कि जो आदमी सफरिंग में है, अननेसेसरी सफरिंग है, और उसकी सफरिंग जो है कंटिन्यूअस है और उसका कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं है, दिख रहा है कि उसका कोई रिलीफ नहीं है, क्या उसको एक डिग्निटी से मरने का मौका भी नहीं दे सकते हम? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है, जो आपका आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसकी जो एक इंटरप्रिटेशन है वो ये भी है कि आदमी का जो राइट है वो डिग्निटी से मरने का भी है, ऐसा नहीं है कि उसको तड़प तड़प के मरवाओ। ये हमने केस तब भी देखा था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हैंगिंग को बंद करके और क्या केसेस हो सकते हैं, जो चीज़ें हो सकती हैं, ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो हम डेथ पेनल्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे इजी डेथ हम दे सके कन्विक्ट को, उसको ज़्यादा तड़पना ना पड़े जो हैंगिंग के केस में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी फिर से वही सवाल पूछा है कि क्या डिग्निटी से मरने का राइट नहीं है इंसान का? तो अब देखते हैं इस पर बातचीत चलेगी, सेंटर अपना स्टैंड रखेगा और एनजीओ अपना स्टैंड रखेगा, फिर कोर्ट जो डिसीजन देगा वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट, पोस्ट डोकलाम द हेडिंग ऑफ हीलिंग टच ऑफ योगा। तो डोकलाम में अपना चाइना इंडिया का काफ़ी लफड़ा हो गया था, ठीक है, एकदम गुंडागर्दी हो गई थी, तो काफ़ी जो रिलेशनशिप थे उस पर इफेक्ट पड़ा था। हालांकि इकोनॉमिक रिलेशनशिप पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन जो कल्चरल और सारी मीटिंग मीटिंग चलती रहती है उसमें काफ़ी अपना इफेक्ट पड़ा था। तो अब क्या चाइना की जो मिंजू यूनिवर्सिटी है उसने क्या शुरू किया है, पहली बार एक योगा में मास्टर डिग्री ऑफर की जाएगी चाइना की मिंजू यूनिवर्सिटी में, तो सॉफ्ट पावर का क्लियर सिग्नल है जो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप्स को रीएक्टिवेट करने की के लिए ट्राई किया जा रहा है। 3 ईयर कोर्स होगा, ठीक है, जिसमें 2 साल चाइना में पढ़ाई होगी और 1 साल जो है इंडिया में पढ़ाई होगी। करिकुलम आपका हिंदी और संस्कृत में होगा, ठीक है। तो डोकलाम क्राइसिस की वजह से काफ़ी जो है कल्चरल इवेंट्स वगैरह रद्द कर दिए गए थे, डोरमेंट कर दिए गए थे, तो अब उनको रीएक्टिवेट करने की जो है ये कोशिशों में से एक कोशिश है। नेक्स्ट, तो अब कल पटाखे बैन कर दिए थे, कल की हमने न्यूज़ में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिवाली के टाइम तक 1 नवंबर तक कोई पटाखा नहीं बेचा जाएगा दिल्ली एनसीआर रीजन में, 1 नवंबर के बाद आप बेच सकते हो। उसके लिए हमने कल जो पटाखों की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हमने कल डिस्कस करी थी, तो आज भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको रीड कर लेना, ऐसा बहुत कुछ समझने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो क्रैकर जो पटाखे बेचने वाले हैं अब उनका थोड़ा सा इशू निकल आया है। पटाखे बेचने वालों का ये कहना है कि भैया दिवाली से 10 दिन पहले तुमने कह दिया कि पटाखे बैन हो गए, अब हमने जो लाखों रुपये के पटाखे खरीद के रखे हुए हैं उसका हम क्या
करें। आपने ये कह दिया कि नवंबर एक के बाद बेच लेना, लेकिन दिवाली के बाद कौन पटाखे खरीदेगा? तो आप पहले ही पटाखे बैन कर देते थे ना, अगर आपको पटाखे बैन करने ही थे। अब बैन किए हैं, हमारा जो लाखों रुपये का स्टॉक है हम उसको कहाँ लेकर जाएंगे, उसको कहाँ जलाएंगे? ठीक है, तो इनका जो शॉपकीपर्स का है वो थोड़ा सा इशू जो है निकल कर आ गया है। दिल्ली पुलिस ने जो भी लाइसेंसेज वगैरह इशू होते हैं स्टॉल्स को, जो पटाखे बेचने वाली स्टॉल्स लगती हैं, वो सारे लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो अब ये लोग जो है थोड़ा सा इशू में है, क्योंकि 10 दिन पहले ही जो है वो पटाखे बेचने से इनको मना कर दिया गया है, और इनके पास जो काफ़ी स्टॉक है वो अब ये कहाँ लेकर जाएंगे, इनका इशू है। तो इस पर अब एडिटोरियल साहिबा ने भी कुछ कुछ बोल दिया है कि भैया देख लेते हैं क्या है एडिटोरियल में। तो थीम एडिटोरियल में जो मेन थीम निकल के आती है, जो मेरे समझ में आता है, वो ये है कि भैया सिर्फ पटाखे बैन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब एडिटर को खुद को चिंता हो गई कि भैया मैं रॉकेट कैसे जलाऊंगा दिवाली वाले दिन, मेरे को तो रॉकेट जलाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो भावनाएं निकल कर अब यहाँ पर जो है वो प्रकट होंगी, और हम देखेंगे कि उन भावनाओं में से हम क्या भावना पकड़ सकते हैं। तो एडिटर का कहना है कि यार तुम हमारे रॉकेट वॉकेट तुमने छोड़ने बंद कर दिए, सिर्फ हमारे रॉकेट जलाने से थोड़ी प्रदूषण बढ़ रहा है एनसीआर में, और भी तो कारण है जिसमें कंस्ट्रक्शन डस्ट, व्हीकुलर पोल्यूशन, वेस्ट बर्निंग, जनरेटर्स, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, गैंगेटिक प्लेन्स में, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में होता है, ये भी तो रीज़न है। सिर्फ हमारे रॉकेट बैन कर दिए और क्या, मतलब क्या कर रहे हो ये यार, हमारी दिवाली ख़राब कर दोगे। तो अब इसमें इशू उठाते हुए एडिटर ने इशू उठाया है, वो मेनली उठाया क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का। ठीक है, इनका कहना है कि सिर्फ बैन लगाने से, अब तुमने पटाखों पे भी बैन लगा दिया है, चलो लेकिन देख लेते हैं कितना इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि तुमने पटाखों की सेल पे बैन लगा दिया, तुमने पटाखे जलाने पे बैन नहीं लगाया है। अब पटाखों की सेल पे बैन लगा दिया, जिन्होंने पहले से खरीद के रखे हुए हैं वो पटाखे जलाएंगे, जिनके पास पिछले साल के बच गए हैं वो पटाखे जलाएंगे, और जिनको पटाखे जलाने का शौक है ना, वो एनसीआर के बाहर से जाके भी पटाखे ले आएंगे। ठीक है, और जो ये जिनके पास इतना इतना स्टॉक मेंटेन्ड है ना, भले ही तुम इनकी स्टॉल्स का लाइसेंस कैंसिल कर दो, लेकिन ये फिर भी पटाखे बेचेंगे, गरीब आदमी मरेगा थोड़ी, वो तो पटाखे बेचेंगे। तो पटाखे बेचने पे तुमने बैन लगा दिया है, लगाना ही था तो पटाखे बजाने पे लगाना था ना, पटाखे जलाने पे लगाना था, क्रैकर्स बर्निंग पे बैन लगाते, पटाखे बेचने पे बैन लगाने से क्या होगा, पटाखे अभी भी उतने ही जलेंगे देख लेना। तो सिर्फ बैन और इम्प्लीमेंटेशन, चलो तुमने पटाखे बेचने पे भी बैन लगा दिया, फिर भी तुम देख लो कि पटाखे उतने ही बिकेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तुम्हारी पुअर है, जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ क्या लगता है, सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। उसके लिए सब जो एग्जाम्पल लिया एडिटर ने, एडिटर का कहना है कि तुमने पंजाब और हरियाणा में 2015 में क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग पे बैन लगा दिया था, लेकिन 2 साल बाद भी आज तक उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, और आज भी क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग जो हो रहा है पंजाब और हरियाणा में, वो सबके सामने विजिबल है। फेल क्यों हुआ जो तुम ये बैन लगाया था क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग पे, ये क्यों फेल हुआ? क्योंकि तुमने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, लोग, फार्मर कोई पागल है, उसको बता दिया कि भाई तेरी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, फिर भी वो पेडल स्टबल बर्निंग किया जा रहा है, तो फार्मर पागल थोड़ी है, उसकी भी बेचारे की मजबूरी है। क्योंकि अगर वो क्लीनिंग के लिए जाता है पेडी स्टबल की, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है और टाइम कंज्यूमिंग पड़ जाती है, और बर्निंग जो है उसके लिए एक तो सस्ता जुगाड़ है और जल्दी से हो जाता है एज़ कम्पेयर टू क्लीनिंग, तो इसीलिए वो पेडल स्टबिंग करता है। और फार्मर जो ग्रुप्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भैया हमें कोई शौक नहीं है बर्निंग का, हमें भी वो धुआं झेलना पड़ता है जो खेतों के जलने से होता है, लेकिन तुम हमें कोई तरीका तो बताओ जिसकी वजह से हम इसको इम्प्रूव कर सकें, जो हमारे को इकोनॉमिकल भी रहे और जो हमारे को बेनिफिशियल भी रहे। तो अभी तक सरकार ने कुछ मेजर्स लेने की कोशिश तो की, लेकिन वो इनकम्प्लीट रहे। गवर्नमेंट ने एक हैबी सीडर करके एक सीड्स इंट्रोड्यूस किए थे। इन सीड्स में क्या होता है, आपको स्टबल जो है उसको क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं होती, जो नेक्स्ट वीट क्रॉप आपको प्लांट करनी होती है, आप बिना स्टबल क्लीन करे ही आप वो बीज उगाइए और आपकी जो वीट प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन ये जो हैप्पी सीडर है ये अभी भी महंगा पड़ता है जो बर्निंग से। ठीक है, बर्निंग किसान कहता है यार ये तो मेरे को सस्ती पड़ रही है, हैप्पी सीडर तो मेरे को फिर भी महंगा पड़ रहा है, तो मैं बर्निंग ही कर लेता हूँ, छोड़ो जो हो रहा है प्रदूषण, मेरे को क्या, मेरे को तो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखना है, उसकी भी मजबूरी है बेचारे की। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। दूसरा ऑप्शन जो था कि भाई बायोमास एनर्जी प्लांट्स बनाएंगे। बायोमास एनर्जी प्लांट्स में सरकार ने कहा कि हम एक बायोमास एनर्जी जो प्लांट्स होंगे वो जो ये पैडी स्ट्रॉ है ये फार्मर से खरीद लेंगे, तो इससे क्या होगा, फार्मर को भी फायदा होगा। अभी जो पैडी वो सिर्फ पैडी स्ट्रॉ जो वो सिर्फ जला के वेस्ट कर रहा है वो उसको बेचेगा, तो उसके पास एडिशनल सोर्सेज आएंगे। ठीक है, तो और ये जो बायोमास एनर्जी प्लांट्स हैं ये इस पैडी स्ट्रॉ को यूज़ करेंगे पावर जनरेट करने के लिए। लेकिन सरकार का इसमें भी एक फेलियर रहा, सरकार का इसमें फेलियर ये रहा कि वो इंसेंटिवाइज नहीं कर पाए बायोमास एनर्जी प्लांट्स को। ठीक है, आपको किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो उसको थोड़े से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार जो है इसमें थोड़ा फेल हो गई और वो इंसेंटिवाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है प्रॉपरली गैल्वनाइज नहीं हो पाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, WHO रिलीजेज न्यू
गाइडलाइंस टू मैनेज ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो अभी कुछ एक टाइम पहले रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबीस चिल्ड्रन है आफ्टर चाइना, ये रिपोर्ट थी आपकी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो कोई ऐसी रिपोर्ट थी, उसने कहा कि इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ओबीस बच्चे रहते हैं चाइना के बाद। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओबिसिटी चिल्ड्रन में एक मेन इशू रहता है, क्योंकि माँ बाप तो खुश हो रहते हैं कि हाय मेरा बच्चा कितना हंसता खेलता है, चुबी सा बच्चा, क्यूट क्यूट करके उसको सब बुलाते रहते हैं, और ये कोई ध्यान ही नहीं देता कि क्या पता ये बच्चा ओबीज हो। और ओबिजिटी की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अर्ली एज शुगर हो जाती है, अर्ली एज ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है, वो सब नहीं दिखता, बस उसके गाल खींचने को में सबको मज़ा आता है, इसीलिए कोई नोटिस ही नहीं करता कि ये बच्चा ओबिजिटी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। द WHO गाइडलाइंस टाइटल्ड असेसिंग एंड मैनेजिंग चिल्ड्रन एट प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू प्रिवेंट ओवरवेट एंड ओबेसिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या होता है? डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन जो कंसेप्ट है वो इंडिया जैसी कंट्रीज में विटनेस होता है। इंडिया में अब देखें कि अब हम बात कर रहे हैं ओबिजिटी की, ओबिजिटी क्या होता है? जो आप जंक फूड खाते हो या आपकी ईटिंग हैबिट जो ख़राब होती है उनकी वजह से ओबिजिटी होती है, मतलब आपका फैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक तरफ हम बात करते हैं कि भाई इंडिया में माल न्यूट्रिशन है, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ओबीज बच्चे भी हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल नहीं हो गया कि माल न्यूट्रिशन और ओबीज बच्चे एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो इस जो कंटेक्स्ट है, इस कंटेक्स्ट में बोला जाता है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो गाइडलाइंस में क्या इंक्लूड किया गया जो WHO ने नई निकाली है? उसमें सेलिंग, डाइटिंग, असेसमेंट ऑफ ईटिंग हैबिट्स अलॉन्ग विद यूजुअल वेट एंड हाइट मेजरमेंट, तो इस सब के बारे में WHO ने गाइडलाइंस जो हैं वो निकाली हैं। अब क्या प्रॉब्लम है कि ओबिसिटी क्यों बढ़ रही है, क्यों आजकल बच्चों में ओबिसिटी हो रही है? इसके रीजंस हैं अर्बनाइजेशन, इंक्रीज्ड इनकम अवेलेबिलिटी ऑफ फास्ट फूड, एजुकेशनल डिमांड्स, ठीक है, एजुकेशनल डिमांड्स भी कुछ ऐसी हो गई हैं, टेलीविजन व्यूइंग, ठीक है, कोई स्टार खड़ा कर दिया, वो मैगी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं कि भैया कोई ये फलाना एक्टर मैगी खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता, वो देखो उसकी इतनी अच्छी बॉडी है मैगी खाने के बाद भी, तो मैं कहाँ ओबीज हो जाऊँगा, ठीक है। गेमिंग, गेमिंग एक मेजर रीज़न हो गया, गेम खेलते रहते हैं और सब जंक फूड अंदर जाता रहता हैव लेड टू अ राइज इन कंजम्पशन ऑफ फूड्स हाई इन फैट्स, शुगर एंड सॉल्ट। और दूसरी चीज़, लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है, जिसकी वजह से जो हम ये सब खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और जो है हम ओबिजिटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। पेरेंट्स फील द नेसेसिटी टू सी अ डॉक्टर ओनली वेन देयर चिल्ड्रन डेवलप कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, पहले तो गाल खींच के उसको चुबी चुबी क्यूट क्यूट करते रहेंगे, जब उसको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी तब जाकर उसके पास डॉक्टर पे जाएंगे। तो सिंबल्स देखने चाहिए आपको, सिग्नल्स पता चलने चाहिए कि ओबीज बच्चे में क्या सिंबल्स आते हैं। मोस्ट ओबीज चिल्ड्रन डेवलप अर्ली प्यूबर्टी, ज्वाइंट पेन एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज, दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड दे एंड अप विद टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज हो जाती है जिसका मेजर रीजन जो है ओबिसिटी ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इज डीप सी फिशिंग द सिल्वर बुलेट, ठीक है। तो ये डीप सी फिशिंग के बारे में थोड़ा सा इशू जो चल रहा है, पाक बे कन्फ्लिक्ट इंडिया और श्रीलंका के बीच में चलता रहता है, तो कन्फ्लिक्ट क्या है मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कन्फ्लिक्ट ये है कि इंडियन फिशरमैन जो है वो ट्रॉलर यूज करते हैं, ट्रॉलर्स क्या होते हैं, वो सारा जो फिशिंग रिसोर्स होता है उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो अपर एरिया में जो फिशेज होती हैं सी के, और ऐसा होता है कि फिशिंग करते करते जो तमिलियन जो फिशरमैन होते हैं वो कई बार जो श्रीलंकन वाटर्स हैं उनमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है, अपने ट्रॉलर्स लेके। तो श्रीलंका वाले जो फिशरमैन हैं उनको कंप्लेन रहता है कि यार हमारी छोटी मोटी कश्तियाँ ये इंडिया से ट्रॉलर लेकर आ जाते हैं भारी भारी, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि श्रीलंकन नेवी ने इंडियन जो फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट भी किया है। तो ये जो है वो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो सबसे पहले तो सरकार जो है आपकी डीप सी फिशिंग को प्रमोट करने की बात कर रही है। डीप सी फिशिंग में मेनली क्या होता है, जो ट्रॉलर्स होते हैं वो आपके एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, डीप सी फिशिंग जो है वो एनवायरनमेंट को आपके नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करती। तो इसको डीप सी फिशिंग को जो सरकार का इंटीग्रल पार्ट रहा है ब्लू रेवोल्यूशन का, सरकार डीप सी फिशिंग को जो है प्रमोट करना चाहती है, ठीक है, अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो अभी प्रेजेंट प्लान क्या है? द प्रेजेंट प्लान इन द पाक बे इज टू एक्सट्रैक्ट 2000 ट्रॉलर्स फ्रॉम द बे एंड रिप्लेस देम विद डीप सी वेसल्स, ठीक है, जो ट्रॉलर्स हैं उनको डीप सी वेसल्स के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा सरकार को, जो आपके बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मेनार में यूज किए जाते हैं डीप सी वेसल्स, वैसे ही डीप सी वेसल्स आपको पाक बे में भी सरकार लाना चाहती है। द टाइम पीरियड फॉर दिस ट्रांजिशन, जो टाइम पीरियड सरकार ने सेट किया है वो 3 साल का किया है, 2017 से 2020 तक, जिसमें आपके कुछ 500 बोट्स को रिप्लेस किया जाएगा, मतलब 500 ट्रॉलर्स को रिप्लेस किया जाएगा डीप सी वेसल्स से।
ठीक है, तो इसमें सेंट्रल और तमिलनाडु गवर्नमेंट दोनों का जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए कुछ 800 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेगी, और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है इसके लिए कुछ 320 करोड़ रुपीज़ वो है इन्वेस्ट करेगी। लेकिन इस ऐसे प्लान्स में प्रॉब्लम क्या है? अब इस प्लान में कुछ प्रॉब्लम है, वो क्या है? सबसे पहली बात तो काफ़ी साइंटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर्स का ये मानना है कि आप इतना खर्चा करके डीप सी फिशिंग वगैरह लेकर आ रहे हो और ये सब रिप्लेसमेंट कर रहे हो, लेकिन हमें तो शक है कि वहाँ जो ये पाक स्टेट वाला पाक बे वाला एरिया है, यहाँ पर सफिशिएंट स्टॉक्स ही नहीं है फिशिंग के। ठीक है, सफिशिएंट स्टॉक्स ही नहीं है फिशिंग के, जिसकी वजह से जो डीप सी फिशिंग आप प्लान कर रहे हो वो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है। आप 800 करोड़ रुपए और 320 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो डीप सी फिशिंग में, लेकिन डीप सी फिशिंग यहाँ पे इकोनॉमिकली नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट स्टॉक्स ही नहीं है फिशिंग के। जो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार जैसे एरियाज में स्टॉक्स हैं, वैसे स्टॉक्स यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या ये इकोनॉमिकल रहेगा आप जो डीप सी फिशिंग लेकर आ रहे हो? एंड जो दूसरा इनका इशू है वो ये है कि डू पाक बे ट्रॉल फिशर्स हु आर यूज टू वन डे फिशिंग हैव सफिशियंट स्किल्स एंड एन इंटरेस्ट फॉर डीप सी फिशिंग? अब पाक बे के जो फिशर्स हैं, जो ट्रॉलिंग फिशिंग होती है, वो क्या होता है, सुबह को गए शाम को मच्छी पकड़ के घर वापस आ गए। डीप सी फिशिंग में क्या होता है, आपको सी में रहना पड़ता है 10 दिन 15 दिन ताकि आप सफिशियंट जो है फिश कैच कर सको। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जो पाक बे के जो फिशरमैन हैं जिनको आदत है कि भैया वो ट्रॉलर में जाते हैं एक दिन में अपनी मच्छी पकड़ कर वापस आ जाते हैं, क्या वो लंबे समय तक समंदर में रहने के लिए और डीप सी फिशिंग प्रैक्टिस करने के लिए क्या उनके पास सफिशिएंट ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं? तीसरी चीज जो बोली गई कि काफी फिशरमैन को, अब इसमें गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट कर ही रही है लेकिन कुछ पैसा जो है, कुछ आपका 75-85 लाख का खर्चा आता है एक डीप सी वेसल पर, तो उसमें कुछ 56 लाख टू 60 लाख जो है सब्सिडी रहेगी सरकार की, बाकी जो है वो फिशरमैन को पे करना पड़ेगा, उसके लिए उसको लोन जो है अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन फिशरमैन का ये कहना है कि यार ये इतना हाई ऑपरेशनल कॉस्ट जो है डीप सी फिशिंग में, खर्चा भी होगा, तुम एक बार तो हमें कश्ती दे दोगे लेकिन उसको चलाने का, लेके जाने का, लेके आने का वो खर्चा तो हमारा होगा, दूसरा जो आप लोन पेमेंट जो है वो भी थोड़ी भारी पड़ जाएगी अपने को, जो तुमने ये तो कह दिया लोन मिलेगा लेकिन वो लोन चुकाना तो पड़ेगा, तो वो रीपे करते करते भी जो है हमारी कमर टूट जाएगी। तो ये जो है मेनली इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं। अब इसके लिए एक सोल्यूशन तो बता दिया, एक सोल्यूशन जो एडिटर ने बताया कि भैया अब आपने ये कहा कि उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है? उसके लिए सरकार ने स्पेशल फैसिलिटीज जो है कोलेबोरेशन में बनाई है तमिलनाडु फिशिंग यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में, जहाँ पर जो है इन फिशरमैन को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सिर्फ ये जो है कि आपने ट्रॉलर्स को डीप सी फिशिंग वेसल से एक्सचेंज कर दिया, उससे सिर्फ काम नहीं बनेगा, और भी आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे। एक तो आपको डाउनसाइज करना है एग्जिस्टिंग ट्रॉल फ्लीट को, उसके लिए आप कह रहे हो कि हम डीप सी वेसल्स ले आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए कि फिशरीज डिपार्टमेंट जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके और सर्विलेंस रख सके कि जो ये डीकमिशनिंग का प्रोसेस है ये प्रॉपरली हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी भी ट्रॉलर चल रहे हैं, इतना खर्चा करने के बाद भी ट्रॉलर चल रहे हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तीसरी चीज़, आपको अदर सोल्यूशन भी ढूंढने हैं, अदर सोल्यूशन जैसे आप बाई बैक्स मतलब आप जिनके पास ट्रॉलर हैं उनको कहिए कि ट्रॉलर ला के आप हमें सरकार को बेच दीजिए और आप इतना अपना पैसा ले जाइए ट्रॉलर बेचने का। ठीक है, तो वैसे बायबैक्स करिए आप ताकि लोग प्रमोट हों, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स लेके आइए, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अभी क्योंकि फिशिंग सेक्टर पे जो है उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, तो उन फिशरमैन को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड कीजिए जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम किया जा सके। और स्किल डेवलपमेंट की हमने बात करी ली कि आपको स्किल डेवलप जो है वो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, GS3 इंडिया वाटर वीक चल रहा है, 2017 इनॉग्रेटेड, तो फैक्चुअल्स है 5th एडिशन हुआ है इंडिया वाटर वीक का। ठीक है, मल्टी डिसप्लिनरी कॉन्फ्रेंस होता है और कॉन्क्रेंटली एक एग्जीबिशन भी है जो एनरिच करना चाहती है थीम शोकेस टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस जो भी होते हैं एरिया अंडर डेलिब्रेशन टू द मीट। ठीक है, द इवेंट्स विल हैव द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स: वाटर, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट, वाटर एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें बातें की जाएंगी। अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल पर्सन्स ऑफ एमिनेंस हैव बीन इन्वाइटेड। ठीक है, काफ़ी लोगों को इसमें इन्वाइट किया जाया, जो सारा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजिकल और सोशल लॉजिकल जो इंटरवेंशन हैं जो वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है उस सब में जो है बातचीत की जाएगी। द बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया वाटर एक्सपो 2017 वो भी इसी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो है इसी के साथ साथ जो है उसको चलाया जाएगा। अब ये क्यों, कैसे, कब, कहाँ शुरू हुआ इंडिया वाटर वीक का कंसेप्ट? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल इवेंट फोकस्ड ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग इंडिया वाटर वीक सिंस 2012। ठीक है, 2012 से चलता आ रहा है एज एन एनुअल इंटरनेशनल इवेंट
फोर एडिशंस ऑफ इंडिया वाटर वीक हैव बीन ऑर्गेनाइज सो फार इन 2012, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 2012 से लेके 2016 तक अभी तक रेगुलरली चलता आया है और 2017 का इनॉग्रेशन हो गया है. द रिकमेंडेशन एक्शंस पॉइंट्स इमर्ज ड्यूरिंग अर्लियर इवेंट्स ऑफ इंडिया वाटर वीक हैव बीन सेंट टू ऑल कंसर्न मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर अप्रोप्रिएट इंप्लीमेंटेशन. जो भी सारा निकल कर आता है इन कॉन्फ्रेंसेज से उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है कि भैया देखो इसमें से तुम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या नहीं. नेक्स्ट देख लेते हैं, IMF लोअर्स फोरकास्ट ऑफ इंडिया. तो IMF की एक रिपोर्ट आती है, ये क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, 2015 या 2016 के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन निकालता है. तो IMF निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये याद रख लेना, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में. तो IMF ने अपनी जो नई रिपोर्ट निकाली है उसके हिसाब से जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है 2017 और 18 में वो उसकी अर्लियर प्रोजेक्शंस, जो प्रोजेक्शंस IMF ने पहले लगाई थी उससे जो है वो स्लो हो गई है. और इसके लिए इस इकोनॉमिक ग्रोथ के स्लो होने का कारण जो रिपोर्ट ने साइड किया है वो है डिमोनेटाइजेशन और GST. चलो अब अपोजिशन और कांग्रेस वगैरह को काफ़ी मसाला मिलने वाला है यहाँ से. नेक्स्ट देख लेते हैं, आज के लिए दोस्तों इतना ही था, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू वेरी मच.